जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी के अंतर्गत डिपेंडेंट कार्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे कि डिपेंडेंट कार्ड क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, किस किस के बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। इनके अलावा इन कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। डिपेंडेंट कार्ड क्या है? इंडियन आर्मी में सैनिक के डिपेंडेंट्स को ये कार्ड दिया जाता है। ये भारतीय सेना के अंदर जो सैनिक होता है उसके जो डिपेंडेंट होते हैं, मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, इन सभी को ये डिपेंडेंट कार्ड दिया जाता है। डिपेंडेंट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की होती है। इस कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक चलती है। यह सैनिक के पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी देता है, यानी इस कार्ड की मदद से सैनिक के परिवार वाले मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी एकदम निशुल्क। डिपेंडेंट कार्ड सैनिक के पेरेंट्स के लिए आइडेंटिटी प्रूफ का काम भी करता है। इस कार्ड की मदद से सैनिक के पेरेंट्स को यदि सैनिक एरिया में कोई काम है, इसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। यह एक आर्मी द्वारा अथॉरिटी है, जिसके कारण सैनिक के डिपेंडेंट्स यह कार्ड लेकर मिलिट्री एरिया में किसी काम के लिए जा सकते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि ये भारतीय सेना द्वारा दी गई एक अथॉरिटी है, जो सैनिक के परिवार वालों को दी जाती है, जिसका वो नियम के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडेंट कार्ड कैसे बना सकते हैं? जब कैडेट सेना में भर्ती होता है, तब उसकी फैमिली डिटेल्स उसके डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है और उसका पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता है। जब एक नया युवा सेना में भर्ती होता है और कैडेट बनता है, तब उसकी पूरी फैमिली की डिटेल उसके डॉक्यूमेंट में एंट्री की जाती है और पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया जाता है। जब सैनिक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में चला जाता है और उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे 958 वो भी आ जाती है, तो उसके अंदर जो फैमिली डिटेल्स लिखी होती है उनके आधार पर ही डिपेंडेंट कार्ड बना सकते हैं। यदि किसी सैनिक ने अपने भाई या बहन उनका नाम नहीं लिखवाया, केवल मदर और फादर का ही नाम लिखवाया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो केवल उन दो का ही बनेगा। कहने का मतलब यह है कि 958 के अंदर जो फैमिली डिटेल्स होती है उनका ही डिपेंडेंट कार्ड बनेगा। मदर फादर की कोई एज लिमिट नहीं है, सिस्टर जब तक अनमेरिड है और भाई का 18 साल तक बना सकते हैं। 958 डिपेंडेंट कार्ड बनाने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जो 958 होती है उसमें फैमिली डिटेल्स में फैमिली की डिटेल होती है और पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता है, तो वो है कार्ड बनाने के लिए एक अथॉरिटी के रूप में इस्तेमाल होता है। अपने कंपनी ऑफिस द्वारा डिपेंडेंट कार्ड 958 के साथ सीओ के सिग्नेचर होते हैं और डिपेंडेंट कार्ड रजिस्टर में एंट्री होता है। दोस्तों, ये कार्ड ऐसे ही नहीं बनता है, ये जवान की 958 और डिपेंडेंट कार्ड रजिस्टर, उसके साथ डिपेंडेंट कार्ड सीओ के पास पुटअप होता है और सीओ सिग्नेचर करता है, तो उसकी सीओ की अथॉरिटी होती है, वो रिस्पेंसिबल होता है यदि कोई उसका गलत यूज़ करता है तो। इसलिए इस कार्ड का कभी भी गलत यूज़ नहीं करना है। डिपेंडेंट कार्ड किसके बना सकते हैं? मदर, फादर, इनकी कोई एज लिमिट नहीं है। ब्रदर 18 साल तक बनवा सकते हैं। सिस्टर, यदि आपकी सिस्टर अनमेरिड है तब तक बनवा सकते हैं। वाइफ, जैसे ही आपने शादी की उसी समय बनवा सकते हैं। और चिल्ड्रंस, बच्चों का भी आप बनवा सकते हैं। डिपेंडेंट कार्ड यूजेज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले जो सैनिक के डिपेंडेंट होते हैं वो इसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और कार्ड, उनके जैसे ही डिपेंडेंट कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ
यूज किया जा सकता है। उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में डिपेंडेंट कार्ड के साथ पेरेंट्स अपना इलाज करवा सकते हैं। यदि किसी के पेरेंट्स इमरजेंसी बीमार हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है और उनके पास डिपेंडेंट कार्ड नहीं होता है तो उनको एमएच में एंट्री नहीं मिलती है और सिविल में उनका इलाज करवाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत पैसे लगते हैं और फाइनेंशियल लॉस होता है। इसलिए सभी सैनिकों को अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट कार्ड बनवाकर उनके पास घर पर रखना चाहिए। मेडिकल क्लेम, डिपेंडेंट कार्ड मेडिकल क्लेम के लिए भी काम आता है। जैसे कोई पेरेंट्स एमएच में गए और वहाँ पर यदि कोई रिपोर्ट नहीं हो पाती है और उसको सिविल में ट्रांसफ़र करते हैं, सिविल में रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उसको 5,000, 10,000 जितना भी पेमेंट लगता है वो मेडिकल क्लेम के थ्रू वापस ले सकते हैं। वहाँ पर भी डिपेंडेंट कार्ड का यूज होता है। ट्रेवल इन इंडियन एयरलाइंस ऑन 50% कंसेशन, जो भारतीय एयरलाइंस है उसमें 50% तक कंसेशन मिल सकता है। ट्रेवल बाय रेल, रेल के अंदर भी डिपेंडेंट कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं और उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि जवान लापरवाही के कारण अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट कार्ड नहीं बनवा पाते हैं और नहीं बनवाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी इमरजेंसी बीमारी होती है जिसके कारण फिर उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए जवानों का काम होता है, जैसे ही यूनिट में पहुँचे सबसे पहले अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों सभी के डिपेंडेंट कार्ड बनवाकर अपने घर भेज दीजिए। जैसे ही उनको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको डिपेंडेंट कार्ड के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।